मैं चाहता था वो हार कर चला जाए कि दरवाजा न खुले। भेड़िए सा खतरनाक, सांपों की तरह काले बादल छाने लगे, शीशे का समुद्र लटका, गोया कि पूरे मकान ने एक गहरी सांस ली, छोटा सा दी के बीच और एक धड़कता हुआ छोटा सा दी। फर्श पर खून के ताजे निशान, खिड़की पर मुंह रखे झांक रहा बियाबान, आंखों पर पड़ी अंधेरे की सिल्लियां, बाहर बरामदे में लड़ती हुई बिल्ली, दूर से हवा का एक ये झोंका, मैं सहमा हुआ आसपास चौंका, हवा घर से कुछ इस तरह निकली गोया कि पूरे मकान ने एक गहरी सांस ली, सांपों की तरह काले बादल छाने लगे, तारों को बीनकर खाने लगे, बिजली की चमक श्री धमक इतनी भयानक जैसे मीलों तक बादल नहीं शीशे का समुद्र लटका हो, किसी पहाड़ से टकरा कर अभी अभी चिटका हो, बेतहाशा चारों ओर पानी गिरने का शोर। एक मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से साकल को छुआ, एक अपरिचित आवाज ने पुकारा, मैं चुप रहा, दोबारा दोबारा, एक अज्ञात भाई ये कहता रहा कि दरवाजा न खोले, इसी में खैरियत है चुप पड़ा रहूं कुछ ना बोलूं, क्या पता आदमी ऊपर से ठीक ठाक लेकिन अंदर से भेड़िए सा खतरनाक, मैं दम साधे पड़ा रहा, आगंतुक पानी में खड़ा रहा, मैं चाहता था वो हार कर चला जाए, दरवाजे से आई हुई बला जाए, अब बिल्कुल शांति थी लेकिन मन में एक अजीब कांति, इन सारी परिस्थितियों की एक और भी सूरत, शायद शायद उस आदमी को मदद की जरूरत, किसी पहाड़ से टकरा कर अभी अभी चिटका हो, बेतहाशा चारों ओर पानी गिरने का शोर। एक मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से साकल को छुआ, एक अपरिचित आवाज ने पुकारा, मैं चुप रहा, दोबारा दोबारा, एक अज्ञात भाई ये कहता रहा।